आर्मी चीफ ने कहा कि जो ऑफिसर्स कोर्ट गए हैं वो बिल्कुल गलत बात है, उनको कोर्ट नहीं जाना चाहिए। इस देश में डेमोक्रेसी है, कोर्ट जाने का हर किसी को हक है अपने लीगल राइट्स के लिए। यहाँ तक कि एक आर्मी चीफ खुद कोर्ट जा चुके हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो कोर्ट जाना कोई जुर्म नहीं है जिससे आर्मी चीफ को इतना बड़ा झटका लगा है। ये 300 लोग क्यों कोर्ट गए, क्यों जाने पड़ा उनका? आज वो इंसर्जेंसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो उनकी नहीं है, ये लड़ाई पैरामिलिट्री फोर्सेस की है। वो वहाँ डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लागू होने के बाद वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिन्होंने इंसर्जेंसी देखी है, एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड का फर्क होता है मरने में और मारने में। क्विक एक्शन हो करना पड़ता है सोल्जर्स को, और वो किसके ऑर्डर पे एक्शन करता है? वो अपने सीनियर के, कंपनी कमांडर के, जो उसके सीओ के ऑर्डर पे बिहेव करता है। एक डेलीगेशन ऑफ पावर होती है जो एक अथॉरिटी के द्वारा आती है, और जो जवान जेसीओ ऑफिसर ऑन द स्पॉट होते हैं उन्हें क्विक टाइम में ये डिसीजन लेना पड़ता है। उनके पास ये टाइम नहीं होता कि वो कौन है जो इसके हाथ में वेपन है, क्या वो फायर करेगा या नहीं, जा उसका फायर का इंतजार हम अपने साथी को मरवाने के लिए करें और उसके बाद रिटेलिएट करें। उसके बाद जो कोई भी उसमें नो मेक निकालनी जो है बहुत गलत बात है। 300 लोगों ने सिर्फ ये पूछा है कि जब हम इंसर्जेंसी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारे क्या हक है, क्या हमें जुडिशल हक है, क्या आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स हमारे ऊपर लागू हैं, हम उसके अंडर प्रोटेक्टेड हैं, या हमें रिटायरमेंट के 20-30 सालों बाद भी इन कोर्टों से सम्मान आएंगे, ताकि हमें सिविलियन होते हुए वहाँ दूर दराज से, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट कर रहा हूँ, मुझे पंजाब से अपने बुढ़ापे में भी वहाँ कोई कोर्ट के में पेश होना पड़ेगा, या वहाँ साउथ वाले किसी को आके जम्मू कश्मीर की किसी कोर्ट में 25 साल बाद भी खड़ा होना पड़ेगा? ये उन्होंने पूछे हैं। तो उन्होंने सिर्फ अपने हक पूछे हैं जो एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत, और मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ उनके हकों की, उनके हकों की लड़ाई के लिए, उनकी अपनी सुरक्षा के मद्देनज़र जो उन्होंने कदम उठाया है, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि किस तरह से हम ये लड़ाई लड़नी चाहिए, और हमारी इस लड़ाई में क्या प्रोटेक्शन है लीगली तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। आई सपोर्ट देम, डू यू सपोर्ट देम? यू सपोर्ट देम, मस्ट encourage them, stand with them, because they are soldiers, and if you can't stand behind your soldiers, stand in front of them. Thank you.